पहले इस व्हाट वी आर डूइंग गोइंग टू आस्क 170 का जो मामला है वो अलायदा मामला है, वो 19 अप्रैल के बाद कभी भी लग सकता है, और 35A का जो मामला है वो किसी भी टाइम लग सकता है। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, बट इट कैन बी एनी टाइम फ्रॉम टुमारो। इसलिए जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी थी, यहाँ के जो सिविल सोसाइटी ने बनाई थी, हम जो मेंबर थे उसमें, उन्होंने पीछे बहुत काम किया, उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने सबको एक स्टेज पे खड़ा किया था, और जम्मू कश्मीर के आवाम ने, बिलखसूस वादी कश्मीर में लोगों ने जो यकजहती का मुजाहरा किया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी हिल गई, और वहां पर हम सब लोग मिलकर इकट्ठे एक ही कमरे में खड़े हो गए। अब आज बात दोबारा वही बनी है, और इस जमन में कल हमने दोबारा फिर से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं 35A को लेकर, जिनको आप इंटरवेंशनिस्ट कहते हैं या इम्प्लीडर्स कहते हैं, उसमें हम हैं सिविल सोसाइटी के मेम्बरान, 6-7 एप्लीकेशन हमारी तरफ से हैं, मेरी जमात ANC की तरफ से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, PDP की तरफ से, तारिक करा साहब की तरफ से, और तारिगामी साहब की तरफ से। कल हमने बराह रास्त तारिगामी साहब से बात की, वो चूंकि मद्रास में हैं अपने पार्टी के काम से, तारिक करा साहब से बात की, उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब से मिले, और उसके बाद कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के साथ हमारा करीब 2 घंटे कल मीटिंग रही, और चूंकि मौसम ख़राब हुआ और JR अपने रेजिस्टेंस लीडरशिप के साथ, JRs के साथ हमने रابطہ कायम किया है, और उम्मीद है कि उनके साथ हम बहुत जल्द मिल लेंगे। बात सिर्फ ये है कि जो लास्ट टाइम हमने ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट में, जब इस पर बात उठी, तो हमारे वकला साहिबान जितने भी थे, जितनी जमातों के थे, वो कुछ इफेक्टिवली बात नहीं कर पाए, इंक्लूडिंग अवर बार एसोसिएशन। और वहाँ पे जो हमारे स्टेट के काउंसिल थे, उन्होंने वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर चीफ जस्टिस के सामने ऐसी एक बात रखी कि खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता था, और वो मामला वहाँ अल्लाह के फजल से वो टल गया। इसलिए कल से हमने दोबारा ये मुहिम शुरू की है कि अगर कभी भी ये केस लगेगा, कल लगे, परसों लगे, नेक्स्ट वीक में लगे, नेक्स्ट मंथ में लगे, क्या हम सब लोग, चूंकि पब्लिक ने हमको पूरा सपोर्ट दिया है, यहाँ के नौजवान मैदान में उतर आए, उन्होंने अपना काम कर दिया, उनसे दोबारा उम्मीद है कि जब भी ये केस लगेगा, उस वक्त को उसी तरीके से, जिस तरह, उसी जोश से जिस तरह वो सामने पीछे आए थे, और मजबूर किया था पूरी लीडरशिप को, चाहे वो मेन स्ट्रीम थी, चाहे वो सेपरेटिस्ट कैंप से थी, एकजुट में और एक आवाज में सब खड़े हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और आज वही बात दोबारा हम सिविल सोसाइटी की तरफ से, जो हमने कल से ये मुहिम दोबारा शुरू की, हमारा काम है याद दहानी कराना, बावर कराना कि भाई मामला सामने आ रहा है, खड़े हो जाइए। और अब की बार मुझे उम्मीद है कि हमारे वकला साहिबान, हमारी बार एसोसिएशन यहाँ की, जिसमें दिग्गज लोग हैं हमारे, बहुत ही नामवर वकला हैं, हमारे जो वकील साहिबान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, चारों जमातों की, सब जमातों की तरफ से, PDP की तरफ से, जो भी हो, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाकर सुप्रीम कोर्ट पे खड़े हो जाएंगे। ये हमारा काम है।